वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट सूची का बेसब्री से इंतजार चल रहा था और ये इंतजार अब खत्म हो गया है और लगातार मध्य प्रदेश में जिन नामों को लेकर कयासों का दौर जारी था उन पर विराम लग गया है। महज गुना और विदिशा के टिकट होल्ड किए गए हैं और तकरीबन 92 नामों का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इंदौर की तीनों होल्ड रखी सीटें इंदौर 3, इंदौर 5 और महू तीनों पर चेहरे साफ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं। इंदौर 3 से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं राकेश गोलू शुक्ला, जो कि वर्तमान में इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। इंदौर 5 से एक बार फिर महेंद्र हाड़िया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है, जबकि महू से उषा ठाकुर को फिर मैदान में बीजेपी ने उतारा है। कुल जमावाद कहने वाली बात यह है कि लगातार लंबे मंथन के बाद कांग्रेस की टिकट सूची के एनालिसिस के बाद तमाम नामों को हरी झंडी दे दी गई है। धार से एक बार फिर नीना विक्रम वर्मा के नाम पर मोहर लगी है। इसी तरह बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस को मैदान में उतारा गया है, जबकि नेपानगर से मंजू राजेंद्र दादू को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है। इसी तरह से मानधाता से नारायण पटेल मैदान में उतरे हैं। काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी को मैदान में उतारा गया है। कहने वाली बात यह है कि लगातार पुराने चेहरों को जो है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में चुनाव मैदान में उतार कर तमाम सियासी समीकरणों में पुराना तड़का लगाने की कोशिशें की है। जबकि प्रयोग के तौर पर बात करें तो भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी के संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी को अपना चेहरा बीजेपी ने बनाया है। ये जरूर एक चौंकाने वाला नाम है। इसी तरह से पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा को होशंगाबाद से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि गौरीशंकर बिसेन की जगह बालाघाट से उनकी बेटी श्रीमती मौसम बिसेन को जो है मैदान में उतारा है, जबकि मंडला से श्रीमती संपत्या उइके को जो है यहाँ पर चेहरा बनाया गया है। एकमात्र युवा चेहरा, जी हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चे से लगभग ये माना जा रहा था कि कोई कोटा यहाँ पर तय होगा और युवा मोर्चे से भी कुछ नाम होंगे, वो तमाम नाम तो यहाँ पर शामिल नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर उत्तर से उम्मीदवार बनाया है। यानी कि युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और एक तरह से पुराने चेहरों का तालमेल बिठाकर बीजेपी ने अपनी ये आखिरी टिकट सूची का ऐलान कर दिया है। 2 टिकट फिलहाल होल्ड पर हैं, गुना और विदिशा, लेकिन जो तमाम नाम है ये तमाम सिटिंग MLA हैं। कुछ नए यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिशें जरूर बीजेपी करती नजर आई, लेकिन चुनावी भाग में लगातार पारंपरिक चेहरों पर मोहर लगाने के साथ बीजेपी ने अपनी इस टिकट सूची का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है जिसे आप MP पॉडकास्ट के जरिए सुन पा रहे हैं और MP News TV के जरिए देख पा रहे हैं।